फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटा सा कहानी शेयर करना चाहती हूँ। ये कहानी बचपन में लगभग सब लोग ने सुना ही होगा। ये कहानी जिंदगी में ना एक बहुत बड़ा सबक सिखा के जाती है। सोचा फिर से शेयर कर दूँ आप लोगों की याददाश्त भी ताज़ा हो जाएगा। कहानी यूँ शुरू होती है। बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले एक ब्राह्मण रहता था एक गांव में। उसको नैष्टिक ब्राह्मण बोला जाता था। उसको नैष्टिक ब्राह्मण इसलिए बोला जाता था क्योंकि काफ़ी नैष्टिक रूप से वो रहते थे। रीति रिवाज करना, मंदिर में दूसरे के घर पे जाके पूजा अर्चना करना, ये सब उनकी काम था। काफ़ी निष्ठा के साथ वो सब काम करते थे और इसके ऊपर ही उनकी जो रोजी रोटी चलती थी। ऐसे ही एक दिन वहाँ पे जो ब्राह्मण रहते थे उनका नाम जगुदास था। तो जगुदास जी ऐसे ही गांव गांव में जाके पूजा करते थे। एक दिन वो एक बड़े से जमींदार घर पे जाके पूजा किया और उनके पूजा से वो जमींदार साहब इतने खुश हो गए कि जगुदास जी को एक गोट दिया कि जगुदास जी, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ये गोट आप लेके घर पे जाइए। तो जगुदास ने बहुत खुश हो गए, वो गोट को ना ऐसे कंधे पर डाल के चलने लगे। तभी तो कोई गाड़ी वगैरह का सुविधा था नहीं। जब वो आ रहे थे तो रास्ते में उनको ना तीन चोर ने देखा। चोरों का तो काम चोरी ही करना होता है, दूसरा काम तो कुछ होता नहीं है। जब उन्होंने जगुदास को देखा एक बकरी के साथ यानी गोट के साथ, उन लोगों ने एक प्लान बनाया। उनके मन में लालच आ गया कि अगर कोई भी हालत में अगर ये गोट हमको हमारे पास आ जाए तो हमारा तो फिस्ट ही बन जाएगा। ये सोच के इन तीनों ने एक प्लान बना के तीनों अलग अलग जगह पे जाके छुप गए। जैसे जगुदास जी वो गोट को लेके जा रहे थे तो पहले वाला चोर आ गया। अरे सर जी, ब्राह्मण जी नमस्कार, आप ये गधे को लेके कंधे में क्यों जा रहे हो? आप एक ब्राह्मण हो, आप बुद्धिमान आदमी हो, फिर ये गधे को लेके क्यों जा रहे हो कंधे पे? ये सुन के जगुदास जी को बहुत गुस्सा आ गया। बोले ये गधा नहीं है, ये गोट है, बकरी है, ये आपको दिखाई नहीं देता डिफरेंस? तो पहले चोर ने बोला, माफ़ कीजिएगा, जो मुझे दिखाई दिया मैंने वही बोला। ऐसे बोल के वो चला गया वहाँ से। कुछ दूर जाने के बाद वो दूसरा चोर आया, बोला महाशय प्रणाम, आप एक ब्राह्मण हो और ऐसे जा रहे हो एक अजीब सा एक गधे को कंधे पे लेके, क्यों? ये बात सुन के जगुदास जी और भी गुस्सा आ गया। बोले कैसा आदमी हो तुम, गधे और घोड़े में फर्क नहीं आता? महाशय मुझे जो दिखाई दिया मैंने आपको वही बोला, मुझे तो गधा ही दिखाई दे रहा है, बाकी आपकी मर्जी। ऐसा बोल के हंस के चला गया। जगुदास जी ये सुन के बहुत गुस्से में आ गए थे। कैसे दो दो लोगों को ऐसे बोल रहे हैं कि एक बकरी को गधा बोल रहे हैं। फिर कुछ देर जाने के बाद तीसरा चोर आ गया, बोला ब्राह्मण साहब नमस्कार, आप ये क्या कर रहे हो, एक गधे को लेके कंधे पे जा रहे हो? लोग देख के आपको हंसेंगे, आपके ऊपर डाउट करेंगे, आप एक बुद्धिमान आदमी हो, ये क्या कर रहे हो, बाकी आपकी मर्जी। फिर ब्राह्मण साहब ने बोले, जो जगुदास जी वो बोले कि गधा नहीं है, बकरी है ये। बोले नहीं, मुझे जो दिख रहा है मैं तो वही बोल रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो दिखे। ये सुनने के बाद जगुदास को डाउट होने लगा, बोले बकरी नहीं है ये, 100% गधा ही है, नहीं तो तीन तीन लोग ऐसे नहीं बोलते।
तो उन्होंने क्या किया, उसको कंधे से उतार के छोड़ दिया वहां पे। जो ये तीन चोर चाहते थे उन्होंने वो ही किया और वो बकरी को वहीं पे छोड़ के घर पे चले गए और तीन चोर मिलके उसको लेके मजा किया। इसे अपने को क्या सीख मिलता है? ये जगदर्श जी ने ऐसा क्यों किया? पहला सीख तो ऐसे है कि डोंट कैरेड आउट विथ पीपुल्स ओपिनियन। लोगों के ओपिनियन से अपने आप को मत तोलो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुद के कैरेक्टर के ऊपर भरोसा रखो। ओपिनियन तो लोग देंगे, रिपुटेशन तो लोग बनाते हैं, कैरेक्टर तो खुद का होता है ना, उसके ऊपर भरोसा आना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। अगर हम हर कोई चीज लोगों के ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, तो हम ना उनके ओपिनियन के ऊपर अपने आप को बंदी बना लेंगे, इम्प्रिजनमेंट ऑन अदर्स ओपिनियन। तो अब हमको ये सोचना यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हमको एक्चुअली करना क्या है, क्यों भरोसा नहीं है। हमको अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, अपने कैरेक्टर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स जिंदगी में। थैंक यू।